Hey guys, welcome to the new vlog. अभी मैं हूँ ऋषिकेश में. यहाँ से हमारा सबका चलने का प्लान हो रहा है टीरी डैम की साइड. ये खड़ी है अपनी बाइक. मॉर्निंग में ही आया था ऋषिकेश. यहाँ पे मयंक भाई ऑलरेडी थे बाकी सारे दोस्तों के साथ. मयंक भाई रेडी? रेडी, चलो. एक आई थी बाइक मयंक भाई की. चार बंदे कार में थे, मयंक भाई बाइक में थे, मैं भी आ गए यहाँ पे. जो चार बंदे थे, चारों ने दो बाइके रेंट कर लिए, एक डोमिनार और एक आरी 350. तो मयंक भाई अपनी भूसा पे, मैं अपनी टेनार पे, और एक डोमिनार और एक आरी 350. ठीक है, हम सब चले टीरी की साइड. माइंड चेंज करके कि भाई कार से नहीं जाना, बाइक से ही जाना. बाइक से जाने में मजा आएगा, लीन वीन करने में. बाइक वार्म अप पे लगा दी है और निकलते टीरी की साइड. अभी जो बाइक रेंट करी है उन दोनों में फ्यूल कम है, इसलिए वो दोनों फ्यूल करा रहे हैं. और अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है, और मैंने इस पे ब्रांडिंग वगैरह कराई थी, जैसे एक व्लॉग्स इधर, एक व्लॉग्स, ये सब कराया था. तो भाई यही था वो रूट जिसे दिल्ली में मिस कर रहा था मैं. अब यहाँ से निकल लिए, और मैं भाई मानेंगे नहीं, शोर मचाए हुए. पुलिस वालों को आगे आवाज़ आ गई होगी, और आगे लीन करने का पूरा मौका मिलेगा, पूरे पूरे चांसेस मिलेंगे. ये जंगल वाला एरिया, ये खुला एरिया. यहाँ से ये रास्ता है टिहरी का. भाई लीन करने में पूरा मजा आ रहा है, पूरा. अगर लीन करना है ना तो टीरी आओ. कंकर पड़ी है. लीन करने में मजा पूरा आ रहा था, कंकरों ने गड़बड़ कर दी. हाँ मैंने भी यहाँ तक लीन किया ये. हाँ वाइट पट्टी पे टायर फिसलता है. हाँ रबर टाइप होता ना ये. मारा लीन लटक के मैंने इस बार थोड़ा सा. भाई वो वाली नहीं बनी मेरी वाली, जो है बाइक लीन करने के लिए बनी है. बस मेरे को लीन करना, लटक के लीन करना आता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ लटक के लीन करने की. लेकिन इतना भी करना है कि ऐसा ना हो लटक के नीचे लटक जाए. गीली है रोड, आगे निकलो. भाई लीन करने में पूरा मजा आ रहा है. करो करो तुम करो. भाई जब मैं यहाँ पिछली बार आया था तो इतनी अच्छी खासी रोड थी नहीं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी रोड बन चुकी है. और यार लीन करने में इतना मजा आ रहा है ना, लेकिन क्या है लीन की ना पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए. और दूसरी चीज़ कि यहाँ से जो व्यू है नीचे देखने का, अरे है यार इतना ज़बरदस्त व्यू है. मतलब ये, और ये रोड तो नहीं बनी हुई है. एक बार आओ अगर टीरी आना है. और यहाँ पे टीरी आने के बाद यार मतलब गर्मी सी लग रही है, जैकेट पहनी हुई ना तो अंदर पसीना सा फील हो रहा है कि पसीना आ चुका है. महंग भाई तो पूरे लीन करते हुए चल रहे हैं. मेरे भी कुछ शॉट्स आए होंगे महंग भाई के कैमरे में, पता चल जाएगा मैंने लीन करी है तो कितनी करी है. लेकिन यार गर्मी लगने लगी है यहाँ पे. कितने डिग्री दिल्ली में? आज धूप ही नहीं निकली, यहाँ पे धूप निकली हुई है. अरे अपनी बाइक खड़ी करो, और लेफ्ट में ये जो खड़ा हुआ है ना रोड रोलर, इसे ही ले चलो. हाँ इसे लीन करते हुए लेके चलेंगे. हाँ ये हरियाणा नंबर ETOs लीन करता हुआ चल रहा है. टर्न करते हुए अगर आप ओवरटेक कर रहे हो तो आप भूल जाओ कि सेफ है. सेफ बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी कुछ भी आ सकता है. और ख़ास तौर से बस वगैरह तो यार मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती है कि बचना नामुमकिन सा हो जाता है. इसलिए लीन करते टाइम या फिर मोड़ पे आप कभी भी ओवरटेक ना करो.
और लीन के टाइम पे कंकर पत्थर बड़े देखने होते हैं, क्योंकि कंकर पत्थर अगर है ना तो आपके पूरी ट्रिप की ऐसी की तैसी हो सकती है। अरे डोमिनार वाले और आरी वाले हमसे आगे पहुंच चुके हैं। सो भाई अभी थी पीछे लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से पानी कीचड़ और मिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह पड़े हुए थे। मुझे पता नहीं था कि मेरा कैमरा ऑफ है, मुझे लगा कि मेरा कैमरा ऑन है तो मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन अब पता चला कि मैं कवर ही नहीं कर रहा था, कैमरा ऑफ था। ओ हो, रोड इतनी गीली पड़ी है ना, ना तो लीन कर सकते ना कुछ, और पीछे लैंडस्लाइड में जहाँ पे पानी और कीचड़ था वहाँ से टायर हो गया पूरा कीचड़ में, कीचड़ की कोटिंग चढ़ गई है जिसकी वजह से, और अब ये टायर स्लिप कर रहा है। भाई बुलेट वाला 350 वाले भाई भी लीन करते आ रहे हैं। टिहरी डैम मैं पहले कभी नहीं आया, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ टिहरी डैम, देखता हूँ, क्योंकि पिछली बार तो शायद जब मैंने देखा था तो मयंक भाई गए हुए थे और वहाँ पे उनका वो था, मतलब वहाँ पे अच्छा खासा स्पेस था, लेकिन अभी शायद पानी वानी भर गया होगा, वो पूरा डूब जाता है, कुछ ऐसा सीन था शायद। रात में नहीं दिखेगा कुछ, अभी तो बहुत सही व्यू आ रहा है। हाँ चलो, कुत्ता है, चलो। स्पीड ब्रेकर, सामने भी शायद लैंडस्लाइड हुई है, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ है, ये देखो भाई बड़ी बुरी हालत है, पत्थर पड़े हुए हैं, रोड नहीं बनी थी वो सारी रोड खराब हो गई, जितने पार्ट पे लैंडस्लाइड हुई है वो सारा पार्ट खराब हो गया। आगे रोड संकरी है, सावधानी से चलें। संकरी कहाँ है, ये तो हल्की सी संतरी है। ऐ तेरी लुटा दी, ऐ लुटा दी, लुटा दी, पूरी लुटा दी, टांग बिठा दी। लीन करते हुए पैरों में दर्द हो रहा है। सो यहाँ पे रोक लिया पुलिस वालों ने। हाँ जी ये मेरी है, जाऊँ, थैंक यू। सो जाने के लिए बोल दिया है, गाड़ी के पेपर चेक करके। सो भाई टायर यहाँ यहाँ तक लीन करा मैंने, एक इंच इधर और एक इंच इधर छोड़ दिया। सो भाई इन्होंने करे हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक, और इसके अलावा इन्हें और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सुपर बाइक का ज़्यादातर क्या होता है, एग्जॉस्ट का इशू होता है, लेकिन एग्जॉस्ट मेरी बाइक का ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा कम है, इतना ज़्यादा लाउड नहीं है, सो कोई इशू आया नहीं। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दोनों चेक करे, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी, और उसके बाद पॉल्यूशन वगैरह के लिए नहीं पूछा, लेकिन इंश्योरेंस के लिए पूछा, इंश्योरेंस इसका वैलिड था, तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है चले जाओ, कोई इशू नहीं है। इन्होंने बोला कि एम्परीवैन वगैरह पे दिखा सकते हो, मैंने कहा हाँ दिखा सकता हूँ। फिर मेरे को दिखाने के लिए, फिर जैसे ही मैं दिखाने के लिए फ़ोन निकाला, इन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं जाओ। एक्चुअली दे जस्ट वॉन्ट टू चेक कि कोई चोरी वगैरह की ना हो व्हीकल, बस ऐसा कुछ इशू ना हो। ये भी चेक करते हैं कि कोई कमर्शियल गाड़ी यूज़ ना कर रही हो, प्राइवेट गाड़ी को एज ए कमर्शियल गाड़ी यूज़ ना कर रहे हो। यार यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, यहाँ रोक लेते हैं, थोड़ा चाय पानी चाहिए होती है बॉडी को। सो भाई ये है यहाँ का व्यू, ये देखो है ना जबरदस्त व्यू, और ये अपनी बाइक वो बूसा RE 350, और डोमिनार भी खड़ी होगी कहीं, वो पीछे डोमिनार खड़ी हुई है। सो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, नीचे का दिखाऊं, यहाँ पे रुके हैं चाय पानी पीने के लिए, कुछ भूख वगैरह लग रही है तो उसके लिए कुछ चाय पानी पी लिया जाए। सो यहाँ का कुछ व्यू ऐसा है, ये देखो कैसा लगा व्यू। तो फटाफट से कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, टिहरी डैम जाना है, मैं पहले कभी गया नहीं हूँ, लेकिन अब जाऊंगा देखूंगा कैसा है, एंजॉय करते हैं रास्ते को। अब यहाँ से नीचे उतरना स्टार्ट हो गए हैं, करीब रह गया है 47-48 किलोमीटर के करीब टिहरी डैम। पहले गियर में ही चल रही है ज़्यादातर बाइक, दूसरा तो कभी लग रहा है तो लग रहा है, नहीं तो पहले पे ही चल रही है। 20 की स्पीड है, मैं 20 से ऊपर मत चलाना। व्यू बड़ा सही आ रहा है, जब ऊपर चढ़ रहे थे तब भी बड़ा सही आ रहा था। अब ऐसे में क्या होता है कि अब मैं और मयंक भाई दोनों इंटरकॉम पे कनेक्टेड हैं, तो अगर मयंक भाई को लगता है कि आगे पत्थर या कंकर पड़ा हुआ है, या फिर कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है, या फिर कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, तो ये मेरे को बता देते हैं, और अगर मैं आगे होता हूँ तो मैं इन्हें बता देता हूँ। यहाँ पे भी अच्छा खासा लैंडस्लाइड हुआ है, ये पीछे
बहुत तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ पे पेट्रोल पंप का थोड़ा इशू है, पेट्रोल पंप यहाँ पे है ही नहीं, मतलब काफ़ी देर से देखते आ रहे हैं कि पेट्रोल पंप मिला ही नहीं। अब पेट्रोल भराना है, बाइक का पेट्रोल थोड़ा कम होता जा रहा है, बस एक यही इशू है। और दूसरा, कभी अगर पेट्रोल मिलता भी है ना, एक्स्ट्रा प्रीमियम या स्पीड या मतलब नॉर्मल से एक स्टेप ऊपर मिलता ही नहीं है, ज़्यादातर नॉर्मल मिलता है, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा इशू है कि सुपर बाइक में नॉर्मल वाला फ्यूल डलवाना दिक्कत हो जाती है। वो सामने पहाड़ पे धूप पड़ रही है, क्योंकि पहाड़ की वजह से ना यहाँ से धूप आ नहीं रही है, लेकिन व्यू इतना अच्छा है ना यार, मन करता मतलब सारे दिन इसे ही देखते रहो हमेशा। हम दिल्ली में क्या कर रहे हैं, असली जन्नत तो यहाँ है। और यहाँ वाले लोगों को लगता है कि असली जन्नत दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली में हर चीज़ करीब है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती ना थोड़ा सा होता है। यहाँ से चंबा है 14 किलोमीटर, अभी हमें चंबा की तरफ ही जाना है। सो फाइनली पेट्रोल पंप मिल गया, लेकिन यहाँ पे भी नॉर्मल वाला फ्यूल है, नॉर्मल वाला ही डलवाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अभी अपने पास। सो अब यहाँ पे बन रही है रील और कुछ फोटोशूट। ओ भाई, टिहरी लेक क्या मस्त है ना, मज़ा आ रहा है देख के, और बहुत अच्छा व्यू है यार, बहुत अच्छा। हमें जाना है डैम पे, अभी तक ऐसा लग रहा था पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बहुत मस्त जगह है यार। आखिर सारा पैसा वसूल हो गया जो मेहनत लगी है बाइक लाने में, लीन करने में, मोड़ने में, पहाड़ों में बाइक चलाने में, सीरियसली वर्थ है। वाह क्या लुक है ना, हाथ पकड़ लो भाई, लुक में ही डूब जाएंगे। मस्त जगह है, ग्रीन कलर का पानी। सो भाई ये है टिहरी लेक, लाइट ग्रीन कलर का पानी है, उधर स्काई ब्लू दिख रहा है। आगे निकलेंगे यहां से, तो भाई यहाँ बन रही है रील, और यहाँ कैमरे मैन के पीछे पीछे रहना। कैमरे मैन यहाँ ना, एक वो जा रहा, एक वो बाइक के पीछे छुपा पड़ा है। आ जाओ भाई, आ जाओ। रील के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। सो अभी मैं हूँ यहाँ पे टिहरी डैम, ठीक है, टिहरी डैम जिसे कहते हैं। बाइक लेके आए हैं मंदिर, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन देख के ना बड़ा मजा आ रहा है। लुक एट दिस यार, ब्लू कलर का पानी, और वो है डैम, वो वाला ये डैम है, ठीक है। और लोकेशन देखो कितनी जबरदस्त है, वहाँ पे हो रही है बोटिंग। ये देखो, ये है जेट स्की। अगर हम जेट्स की चाहते हैं तो हमें वहाँ जाकर, वहाँ से जेट्स की लेनी पड़ेगी, हायर करनी पड़ेगी। तो पीछे का ये व्यू भी बड़ा जबरदस्त लग रहा है, देखो है ना। अब बनाते हैं कुछ रील, और यहाँ से फिर थोड़ी देर में थोड़ा एंजॉय करके और फिर निकलेंगे। तो रेडी हो गए यहाँ से निकलने के लिए। ज़्यादा ठंड लग रही है क्या? हाँ, शीशा नहीं है ना इसमें। सो यहाँ से निकल रहे हैं अब, बहुत होगी मस्ती, भूख लग रही है। यहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से अच्छा खासा जाम लगा हुआ है, अब तो निकल चुके हैं खैर जाम से। रात में राइड करनी पड़ रही है पहाड़ों में। वेट करते हैं, अपने दो राइडर, दो बाइक्स पीछे रह गई हैं, बैंक और मैं तो आगे आ गए। ये पूरा अब रात को राइड करनी पड़ रही है पहाड़ों में। मैं एक्चुअल में रात को राइड करना प्रेफर नहीं करता, बहुत सारे रीज़न होते हैं यार। एक तो आप रास्ता जानते नहीं हो, पहाड़ में राइड करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, कट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लोग कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे। दूसरी चीज़ें, आपको रोड का आइडिया नहीं है। तीसरी चीज़, अगर कोई बात हो जाए तो फिर हेल्प नहीं मिलती। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए रात को मैं राइड करना प्रेफर करता नहीं हूँ। लेकिन अभी होटल तो पहुँचना है, ये रीज़न है। आगे भाई लोग, इनकी बाइक का टायर पंचर हो गया था। ये होती है बैकफायर, चलेगी। सो भाई ये है यहाँ का फॉग, अब देखो कितनी बुरी हालत है फॉग।
मुझे ही पता कैसे चला रहा हूँ मैं और मयंक भाई, जानते हैं अपने दिल का दर्द कि किस तरह से चल रही है बाइक। देखो कुछ दिख ही नहीं रहा, डबल ट्रक आ रहा है भाई। कैसा लग रहा फॉग में चला के मयंक भाई? मत पूछो यार, बस वाले नहीं, बस वाला भी नहीं चला पा रहा ढंग से, जबकि ये तो पहाड़ी है, ये तो यहाँ ढंग से चलाते हैं, लेटा लेटा के चलाते हैं बस को, फिर भी नहीं चला पा रहे। ये आए तो साइड में लगाओ, लगाओ भाई लगाओ, कागज चेक कराओ, कागज चेक कराओ, कागज कैसा लग रहा है फॉग में चला? एक नंबर, गुड़गांव वालों को आदत है। हाँ सर, ऐसा नहीं है तो भाई यहाँ रुक गए थे हम खाना खाने के लिए, रात बहुत हो गई है, 10:30 बज गए हैं, तो खाना पीना हो गया अपना, सब जा रहे हैं अपने स्टे की तरफ। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, गुड बाय।